नमस्कार नमस्कार नमस्कार, दिस इज ब्योमकेश मेहर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अनअकैडमी स्टूडियो एंड इन न्यू चैनल दैट इज बिगिनर टू मास्टर। यहां पर हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे एक बेसिक से लेकर एक डिटेल मास्टर वाला कोर्स। सो दोज हु आर गोइंग टू एफ फेयर फॉर 2021, 2022 एंड 2023 उनके लिए एक जबरदस्त सीरीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में हर एक टॉपिक को कम कम करके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसलिए हमने नाम दिया है बिगनर टू द मास्टर, ठीक है, और बी टू एम बिगनर टू द मास्टर दैट इज यूपीएससी सीएससी। एंड अनअकैडमी को ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको स्पेशल क्लासेस, बहुत सारी चीजें का फैसिलिटीज मिल सकता है। वेल दिस इज अबाउट मी। 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ एंड मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड वेल मेरा नंबर भी है, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप भी है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो वहां पर क्वेश्चन पुटअप हो सकती है। अगेन प्लस कोर्सेज का मैं फायदा बता देता हूँ, आपको डेली बेसिस में लाइव क्लासेस मिलेगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस विल बी देयर एंड एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर एंड प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेगा, आप डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हो। एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज। और सबसे बढ़िया चीज की एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन होगा, जो टेस्ट सीरीज होंगे, जो मॉक टेस्ट होंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। एंड उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल इज देयर, लर्न एट एनी टाइम एंड एनीवेयर, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें। एंड डेली लाइव क्लासेस होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स विल बी देयर, लाइव टेस्ट विल बी देयर, क्विज कंपटीशन, अनलिमिटेड एसेस, दीज आर द टॉप एजुकेटर हु आर द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। रोमन साइनिस सर वो खुद भी पढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए कि फीस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फीस के बारे में, इट्स फीस इज वेरी नॉमिनल, फीस जो है नॉमिनल है, दैट इज आप देख सकते हो, एक साल का आपको पड़ेगा बेटा 40,000, एक साल का आपको पड़ेगा 40,000। एंड दैट टू बी, देखिए एक साल के लिए $40,000 है एंड दैट टू बी 10% डिस्काउंट के साथ आपको पड़ जाएगा 36,000 में। एंड दो साल का चीजें है उसको आपको पड़ जाएगा ओनली एंड ओनली 43,000 में। क्लियर है पॉइंट? तो आइए हम बात करते हैं। इन द लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसको बता देता हूं मैं, कि इन द लास्ट वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोधी। क्लियर है? तो ये जो 5 डायनेस्टी में किया गया था उसमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में हमने बात की थी। देखिए स्लेव डायनेस्टी में जो रूलर है, स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर आप देख सकते हैं यहां पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकुद्दीन, रजिया सुल्ताना, बहरम शाह, देन मसूद शाह, नशीरुद्दीन मोहम्मद, गियासुद्दीन बलबन एंड केकुआबत। इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी मैं बात करूंगा शामसुद्दीन इल्तुतमिश एंड रुकुद्दीन के बारे में, एंड ऑल्सो आई डिस्कस अबाउट द रजिया सुल्ताना। तो आइए हम लोग बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। दिस इज द टॉपिक दैट आई विल डिस्कस अबाउट द इल्तुतमिश। देखिए एक्चुअली नो डाउट स्लेव वंश की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, बट अगर पूछा जाए हुआ द रियल फाउंडर दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान्स के जो रियल फाउंडर कौन है, तो होगा शामसुद्दीन इल्तुतमिश। क्योंकि उससे पहले जो राजधानी हुआ करता था वो है लाहौर, और लाहौर से उन्होंने राजधानी को शिफ्ट किया था दिल्ली में। क्लियर? और पहली बार उन्होंने चालीसा, उसका मतलब है चहलगनी का शुरुआत की थी। चालीसा का मतलब है 40 पीपल का एक, 40 लोगों का एक ग्रुप था, और राजा कुछ भी डिसीजन लेते थे, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, चाहे किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते थे राजा, तो 40 लोगों को कंसल्ट करने के बाद ही लेते थे, और उस ग्रुप को चालीसा कहा जाता है। जैसे कि आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, आज के डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द चालीसा। एक चालीसा का उनको एक हिस्सा माना जाता है, मतलब चालीसा का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि 40 लोगों का ग्रुप है,
जिनका काम होती है कि किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डील करने की काम करते हैं 40 लोग ने। और देखिए सबसे पहले मैं दो दो कॉइन का इंट्रोड्यूस किए थे, एक है टंका और एक है जितल, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द टू कॉइन, दैट इज वन इज टंका वन इज जितल। और टंका जो है सिल्वर कॉइन है और जितल जितल जो है दैट इज द कॉपर कॉइन। तो ध्यान रखना, एक है टंका है, एक है जितल है, वन इज सिल्वर कॉइन एंड वन इज कॉपर कॉइन। तो ध्यान रखना, दिस इज ऑल अबाउट द शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जो याद रखने वाला चीज है, देखिए ध्यान रखिए यहां पर याद रखना, सबसे पहला चीज कि दिल्ली को राजधानी के हिसाब से जो शिफ्ट किए थे लाहौर से दिल्ली, दिल्ली को शिफ्ट किए थे वो है इल्तुतमिश। सेकेंडली ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान, ठीक है। एंड उसके बाद जो चहलगनी है, जो चालीसा है, ग्रुप ऑफ 40 पीपल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ दो कॉइन बनाए थे, एक है टंका और एक है जितल, ये दो कॉइन उन्होंने बनाया था। उसके बाद देखिए कि इक्ता सिस्टम का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ही इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। और इक्ता सिस्टम का काम था कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस प्रकार से सशक्त किया जाए, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस प्रकार से मतलब एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, उसमें पूरी तरह से कोशिश की थी। एंड उन्होंने कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, और जो कि 12 ही दैट वाज मतलब कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार अगर पूछा जाए कंस्ट्रक्शन किसने शुरुआत की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, बट कुतुब मीनार को फिनिश किसने किया था तो पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश होंगे 1220 में, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद उनके टाइम पे चंगेज खान जो है साहा को, ख्वारज्म साहा को मतलब चेज कर रहे थे, इसलिए ख्वारज्म साहा को उन्होंने पनाह देने के लिए मना कर दिया था। एंड उनका जो पेट्रॉन है, पेट्रोनाइज्ड मिनहान उन सिराज एंड ऑथर ऑफ द तबे कुत आई नशेरी, ऑथर ऑफ तबे कुत आई नशेरी, ध्यान रखना। तो इल्तुतमिश के बाद जो रूलर थे वो है रुकुद्दीन थे, 1236 में केवल 6 महीने 6 महीने तक उन्होंने काम किया था, वो जो है इल्तुतमिश का बेटा थे। एंड ही वाज क्राउडेड बाय हिज मदर शाह दुर्गान आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश इन द ईयर 1236, 1236 में जब उनका डेथ हो गया था। बट इल्तुतमिश चाहते थे कि उनका जो बेटी है, बेटी का नाम है रजिया सुल्ताना, उसको जो है मतलब पोजीशन दिया जाए, क्वीन की पोजीशन। बट यहां पर जो है शाह तुर्काना जो वाइफ है इल्तुतमिश की, उन्होंने अपना बेटा रुकुद्दीन को जो है पोजीशन दिया था। एंड जब इल्तुतमिश का जो बेटा है रुकुद्दीन जो है अवध में वो रूल करने के लिए गया था, मतलब फाइटिंग करने के लिए गया था, उस टाइम पे उनका जो सिस्टर रजिया सुल्ताना ने पूरी तरह से उस गादी को कैप्चर कर लिया एंड सी बिकम द रूलर नाउ। अब मैं बात करूंगा रजिया सुल्ताना। देखिए रजिया सुल्ताना नो डाउट सी रूल फॉर 4 इयर्स, 1236 से लेकर 1240 के बीच में। पर ध्यान रखना, शी वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल ओवर इंडिया, फर्स्ट एंड ऑल्सो यू कैन से लास्ट रूलर हु रूल ओवर इंडिया। और उनका जो रहन सहन, जो उनका जो तरीका था, एक लड़कों की तरह था। मैंने अभी बताया था कि इल्तुतमिश का जो फर्स्ट चॉइस थी वो रजिया सुल्ताना ही थे। पर ध्यान रखना कि एक एक इंसिडेंट हुआ था, देखो एक तरफ रजिया सुल्ताना, एक तरफ थे भटिंडा, भटिंडा के जो गवर्नर है उनका नाम है अल्तुनिया, जो पंजाब भटिंडा मतलब पंजाब के, उसके बाद है एक तरफ थे याकूट। तो रजिया सुल्ताना का जो बचपन का प्यार है, यू कैन से चाइल्डहुड क्रश, बचपन का प्यार चाइल्डहुड क्रश जो थी वो अल्तुनिया, और अल्तुनिया का भी चाइल्डहुड क्रश और बचपन का प्यार जो है रजिया, दोनों के बीच में मतलब लव अफेयर था। बट जैसे जैसे ये लोग बड़े होते गए, जैसे जैसे रजिया सुल्ताना जो है शासक बन गई, उसके बाद उन्होंने एक मतलब स्लेव को रखा था, स्लेव का नाम है याकूट। और याकूट और रजिया सुल्ताना के बीच में थोड़ा सा संपर्क होने लगा, रिलेशन बनने लगा, लोगों ने चर्चा करने लगे, तो ये चीजें जो है अल्तुनिया को पूरी तरह से हटवा, मतलब ये से यू कैन से ट्रेंगुलर लव स्टोरी। और ये भी बोल सकते हो कि यहां पर रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया को फ्रेंड जोन में रख दी, फिर तो जस्ट बिकम फ्रेंड। तो अब जो है उनका अफेयर जो है याकूट से होने लगा, तो ये चीजें अल्तुनिया को बहुत बुरा लगा, एंड उसी के लिए उन्होंने जो है दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया था।
और दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के बाद सबसे पहला काम क्या क्या होगा सोचिए, याकूट को मार दिया था। और याकूट को मारने के बाद यहां पर रिलेशन बन गई थी, मतलब याकूट को मारने के बाद रजिया को पकड़ के वो दिल्ली ले आया था और वहां पर कंडीशन रखा था कि आइदर जेल में सड़ो या फिर मुझसे शादी करो। तो रजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए फाइनली सी मैरिड विद अल्तुनिया। क्लियर है पॉइंट? तो वो लोग वापस जब आ रहे थे, मतलब अल्तुनिया एंड रजिया जब वापस आ रहे थे, रजिया का जो भाई है बहरम साथ है, दिल्ली में शासक बने हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र किया था कैथल में, जगह का नाम है कैथल इन द ईयर 1240, जहां पर रजिया सुल्ताना एंड अल्तुनिया दोनों का ही डेथ हो गया था। क्लियर है? दिस इज अबाउट द रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना जैसे ही देखिए, रजिया जो है, जैसे ही रजिया वॉज पॉपुलर एमंग द मासेस, पॉपुलर एमंग द पीपल, बट जो सी वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नोबेल्स एंड थियोलॉजिशियन, जो नोबेल्स थे, जो थियोलॉजिशियन थे, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्लियर है? और जैसे ही एक लेडी जो है शासक बनी थी, उसके बाद जो है गवर्नर मुल्तान, लाहौर, हंसी, बडोन, ये सब जो है रजिया के खिलाफ पूरी तरह से विरोध कर दिए थे। और उसके बाद जो है अल्तुनिया ने भी विरोध किया था, और अल्तुनिया तो याकूट को मार के रख दिया, रजिया को ले आया था, और फाइनली अल्तुनिया एंड रजिया शादी किए थे, एंड फाइनली दोनों जो है कैथल में उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है? उसके बाद जो रूलर आए थे वो है बहरम शाह आए थे। तो यहाँ पर अल्तुनिया और रजिया जो है, मतलब बचपन का प्यार दोनों के बीच में ही था। तो ये था आज का जो टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, छोटे से टॉपिक में इल्तुतमिश के बारे में। देन आई हैव डिस्कस अबाउट द रुकुद्दीन, देन आई हैव डिस्कस अबाउट द रजिया सुल्ताना। ठीक है? थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।